दोस्तों क्या लगता है आपको, जो लोग मर चुके हैं क्या वो हमारी बात सुन सकते हैं? क्या किसी की कब्र पे जाके अगर हम वहां उन्हें कुछ बोले तो क्या वहां वो सुन सकते हैं? क्या हमारी आवाज मुर्दों तक पहुंचती है? कभी अगर हम अपने माँ बाप, दादा दादी या किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाते हैं, क्या हमारी आवाज उन तक पहुंचती है? चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं आज, पूरी तरह से न्यूट्रल होके और वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को नजर में रख के। देखिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुर्दे हमारी आवाज नहीं सुन सकते हैं, और कुछ लोगों का पक्का यकीन है कि नहीं, मुर्दों तक हर एक बात पहुंचती है जो हम उनकी कब्र पे उनसे मुखातिब होके कहते हैं। चलिए पहले ये देखते हैं कि इस सब पे कुरान क्या कह रहा है, और जितनी रिसर्च मैंने की है इस सब पे, उससे मुझे यही पता चला है कि कुरान में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि मुर्दे जिंदा लोगों की बात सुन सकते हैं, और इसके लिए बाज़ाता तौर पे तीन आयात, सूरा अन्नमल, सूरा अर्रूम और सूरा फातिर, जिनमें साफ साफ लिखा है कि मुर्दों तक जिंदा लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच सकती है, लेकिन केवल अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो किसी को भी मर के सुनने की सलाहियत दे सकता है। बहरहाल ये तो मुझे रिसर्च से पता चला है। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं गलत हूं, मतलब किसी आयत में लिखा है कि मुर्दे सुन सकते हैं, तो मेहरबानी करके कमेंट में मुझे सही कीजिएगा जरूर। चलिए कुरान के बाद अब हदीस पे आते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि मुर्दे सुन सकते हैं, वो इस सही बुखारी के हदीस का हवाला देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब किसी को दफन करके लोग मकबरे से निकलते हैं तो उनके चलने की आवाज़ भी वो मुर्दा जिसे उन्होंने दफन किया होता है वो साफ साफ सुन लेता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मुर्दे नहीं सुन सकते हैं, उनका काउंटर आर्गुमेंट इस पे ये है कि ये हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन मुर्दा तब तक सुन पाता है जब तक कि नकीर मुनकर नहीं आते हैं, उनके आने के बाद मुर्दा नहीं सुन सकता है। अच्छा, वो लोग जो मुर्दे के सुनने पे यकीन रखते हैं, वो दूसरे सही बुखारी के हदीस का हवाला देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर पहुंचते ही कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अलल कुबूर। वो लोग कहते हैं अगर मुर्दे नहीं सुन पाते तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम करते? और इस पे काउंटर आर्गुमेंट दूसरी पार्टी का ये है कि दरअसल वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम को दुआ की तरह इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आप सभी मुर्दों पे अल्लाह की सलामती हो। अच्छा, और एक हदीस का हवाला दिया जाता है उन लोगों की तरफ से जो कहते हैं मुर्दे सुन सकते हैं, कि जंग बदर खत्म होने के 3 दिन बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीना की तरफ वापस जा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उस कुएं के पास रुक के कुएं की तरह आवाज लगाते हैं जिस कुएं में उन्होंने कुफार के सरदारों को मार के फेंका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चारों कुफार के नाम लेके कहते हैं कि क्या तुमने देखा, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। और ये सुन के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब मर चुके हैं, आप किसे ये सब कुछ कह रहे हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि उमर, जिस तरह तुम मुझे सुन पाते हो उसी तरह साफ साफ ये मरे हुए काफिर भी मुझे सुन पाते हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये वापस जवाब नहीं दे पाते हैं। और यहां पर दरअसल दूसरी पार्टी का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि वो कहते हैं कि इस हदीस को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने को कहा था, दरअसल उस वक्त वो मुर्दे सुन पा रहे हैं, ना कि हमेशा सुन पाते हैं। दरअसल वो एक मौजजा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, और इस हदीस के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जब अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस हदीस का जिक्र किया था, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था दरअसल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझने में गलती हुई है, क्योंकि कुरान में तो साफ साफ लिखा है कि मुर्दे नहीं सुन सकते हैं। दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा कि उमर, अब ये तुमसे बेहतर जान चुके हैं क्योंकि इन्होंने अजाब चख लिया है। अच्छा, और एक इब्न हिब्बान के हदीस का हवाला दिया जाता है कि जब भी कोई किसी जानने वाले की कब्र से गुजरता है और सलाम करता है तो कब्र में मुर्दा उसे पहचान लेता है और सलाम का जवाब भी देता है, लेकिन दूसरी पार्टी इस हदीस को सही नहीं मानती है।
और आखिर में वो लोग जो कहते हैं कि मुर्दे नहीं सुन पाते हैं, वो उस हदीस का हवाला देते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो दुनिया से पर्दा इख्तियार करेंगे और उसके बाद अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजेगा तो उसके लिए अल्लाह ताला ने खास फरिश्ते रखे होंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सलाम पहुँचाएंगे। दरअसल इस हदीस का हवाला दे के ये पार्टी कहती हैं कि इस हदीस को सुन के सब डिस्कशंस और कन्फ्यूजन्स ख़त्म होते हैं। बहरहाल मैंने इस सब में कुरान और हदीस क्या कहता है मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। अब आप लोगों को ही डिसाइड करना होगा कि वाकई ही मुर्दे हमारी आवाज़ सुन पाते हैं या नहीं। बहरहाल कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मुझे दीजिए आखिर में इजाज़त। टेक केयर, गॉड ब्लेस।